अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर रोज की तरह ताकुमी अपनी छोटी सी कंपनी आता है, वो भी मुंह पर हैंकी रखकर। अमारी उससे पूछता है, आज फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मारा? ताकुमी कहता है, ये तो रोज का है। और फिर नोराकुरा को वक करते हुए देखकर कहता है, आज तो तुम बड़ी मेहनत कर रही हो। नोराकुरा कहती है, वो तो ठीक है, पर तुम ये बताओ मेरा हैंकी कब वापस दे रहे हो? ताकुमी कहता है, सस्ती है पर कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है इसलिए वापस नहीं दूंगा। तभी नोराकुरा उसके हाथ में चोट का निशान देखती है और फिर कहती है, तुम्हारा एक हैंकी से कुछ नहीं होने वाला, तुम डेली डेली ही पिट के आते हो। देन सामान रखते टाइम जब नोराकुरा टेबल पर से फाइल उठाती है तो बॉक्स में से एकदम से स्प्रिंग वाला टॉय बाहर आता है। उसे देखकर नोराकुरा डर जाती है। ताकुमी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम कितना जल्दी डर जाती हो और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। नोराकुरा कहती है, मैं तुम्हारी कोई एंटरटेनर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करो। देन सांगियो कंपनी से कॉल आता है जो रिसीव करती है नोराकुरा। वो कॉल शिमाजू करता है। नोराकुरा अपसेट हो जाती है। ताकुमी नोराकुरा के फेस एक्सप्रेशन से सब समझ जाता है और गुस्से में वो नोराकुरा से फोन छीनकर शिमाजू से कहता है, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? आज के बाद यहाँ कॉल नहीं करना। कॉल के बाद ताकुमी नोराकुरा से कहता है, अगर फिर इस शिमाजू का कॉल आए तो तुम सांगियो कंपनी के साथ हमारी सारी डील्स कैंसिल कर देना। नोराकुरा ताकुमी से कहती है, तुम मेरी वजह से खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? शिमाजू का कॉल ये बताने आया था कि सांगियो कंपनी को हमारे डिजाइन पसंद आ गए हैं तो वो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं। मैं अभी शिमाजू को कॉल करके सॉरी कहती हूँ जिससे डील्स कैंसिल ना हो। ताकुमी कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही काइंडनेस रखनी है ऐसे धोखेबाज पर्सन के लिए तो मेरी कंपनी से जा सकती हो, और रही बात शिमाजू की तो ऐसे धोखेबाजों के साथ मुझे कोई बिजनेस नहीं करना। देन थोड़ी देर बाद नोराकुरा ताकुमी के कैबिन में जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से तुम्हें बिजनेस में लॉस हो रहा है। नोराकुरा बोले जा रही थी पर ताकुमी कोई जवाब नहीं देता। नोराकुरा आगे बढ़कर देखती है तो पता चलता है कि ताकुमी तो सो रहा है। नोराकुरा उसे डिस्टर्ब नहीं करती और अपना शॉल उड़ाकर चली जाती है। लेकिन नोराकुरा जैसे ही केबिन से जाती है ताकुमी अपनी आंखें खोल लेता है, वो उसकी सारी बातें सुन रहा था। शाम को जब नोराकुरा कंपनी आती है तो देखती है टेबल पर उसका शॉल रखा है और नोट पर लिखा होता है, नोराकुरा इडियट है। नोराकुरा कहती है, मुझे पता था यही होगा, वो हमेशा ही ऐसा करता है। और वो स्माइल करती है। जैसे ही वो अपना शॉल उठाती है उसके नीचे उसे कुकीज और रबर बैंड मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। नोराकुरा रबर बैंड अपने बालों में लगाने जा रही थी लेकिन सोचती है, क्या पता वो मेरे साथ फिर से कोई मजाक की सोच रहा हो, तो वो उस रबर बैंड को रख देती है और कुकीज खाने लगती है। फिर वो रबर बैंड को लेकर कंपनी से जाने लगती है। बाहर ही वो देखती है कि ताकुमी की एक्स गर्लफ्रेंड उसे फिर से मार रही है। नोराकुरा उनका पीछा करती है। ताकुमी की एक्स गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, तुम कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हो? तभी ताकुमी नोराकुरा को देखता है। वो एक्स गर्लफ्रेंड को हग करके नोराकुरा को वहां से भाग जाने का इशारा करता है, पर नोराकुरा को कुछ समझ नहीं आता और वो उसके पास जाकर एक्स गर्लफ्रेंड से कहती है, तुम हमारे सीईओ को ऐसे नहीं मार सकती। ताकुमी सोचता है, ये तो सच में इडियट है। एक्स गर्लफ्रेंड नोराकुरा के पास जाती है और कहती है, तुम भी ताकुमी को डेट कर रही हो ना? उसके साथ झगड़े में नोराकुरा के हाथ से रबर बैंड गिर जाता है और वो गंदी हो जाती है। नोराकुरा अपसेट हो जाती है और गुस्से में एक्स गर्लफ्रेंड से पूछती है, क्या तुम ताकुमी को लव करती हो? अगर तुम ताकुमी को लव करती हो तो उसे मारना बंद करो, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, क्या फालतू बोल रही हो तुम? ताकुमी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम मेरी सुनो, तुम मुझसे लव नहीं करती, मुझे पता है तुम मेरे अलावा 3 लड़कों को भी डेट कर रही हो। तुमने मुझे डेट सिर्फ पैसों के लिए किया। तुम जैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है मैं नोराकुरा जैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहूं। इसके बाद एक्स गर्लफ्रेंड वहां से चुपचाप चली जाती है। ताकुमी नोराकुरा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चली जाओ, फिर तुम क्यों नहीं गई? नोराकुरा, मुझे समझ नहीं आया था। और फिर वर्क की कहकर वो वहां से वापस कंपनी चली जाती है। ताकुमी बाहर ही होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है।
एक्चुअल में ताकुमी को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ताकुमी कार ड्राइव कर रहा था और पीछे कार में एक लड़की सो रही थी। प्रेजेंट में ताकुमी के शोल्डर में अचानक से पेन होने लगता है। इधर कंपनी में नोरा कुरा रबर बैंड को साफ करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ताकुमी कंपनी पहुंचता है तो देखता है नोरा कुरा वहीं सोई हुई है और वो शॉक्ड होता है चारों तरफ देखकर। नोरा कुरा ने ऑफिस का डिजाइन पूरी तरह चेंज कर दिया। ताकुमी उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम एक इडियट हो। एक्चुअल में नोरा कुरा रात भर कंपनी में ही रुकी और सारा काम किया। तभी ताकुमी टेबल पर एक इनकम्प्लीट डिजाइन देखता है तो वो उसे नोरा कुरा के पास बैठकर ही कम्प्लीट करता है। ताकुमी 5 साल पहले ही डिजाइनिंग छोड़ चुका है पर अब नोरा कुरा के आने से उसने डिजाइनिंग फिर से शुरू कर दी है। डिजाइन कंप्लीट करके वो नोरा कुरा के पास ही सो जाता है। नोरा कुरा जब जागती है तो ताकुमी को अपने पास सोया देखकर चौंक जाती है और ताकुमी को धक्का देती है। जागकर ताकुमी कहता है, मैं तो सो गया था, और फिर वहां से जाने लगता है। नोरा कुरा उसे थैंक्स कहती है उसे रबर बैंड देने के लिए और उस दिन शिमाजू के कॉल पर सपोर्ट करने के लिए। ताकुमी कहता है, तुम लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लेती हो? ये वर्ल्ड मेरे और तुम्हारे फ्रेंड जैसे बुरे लोगों से भरा हुआ है जो तुम्हें धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और फिर वो नोरा कुरा को किस करता है। नोरा कुरा फिर भी कहती है, ताकुमी जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया वैसे आज तक किसी ने मुझे नहीं किया, मुझे तुम पर भरोसा है। ताकुमी नोरा कुरा के सर में हिट करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहो तो कभी भी जा सकती हो पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नोरा कुरा उसे देखने लगती है। तभी वहां अमारी और ओरे आ जाते हैं और पूछते हैं यहां क्या चल रहा है। ताकुमी कहता है नोरा कुरा अपना पागलपन दिखा रही है। अमारी और ओरेई ऑफिस को चेंज देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें बिलीव नहीं होता ये सब अकेले नोरा कुरा ने किया। फिर उन दोनों को एक और झटका लगता है। ताकुमी ने अमारी का इनकम्प्लीट डिजाइन पूरा कर दिया। शाम को वर्क के बाद जब नोरा कुरा घर जा रही थी तो ताकुमी उससे कहता है, तुम बहुत ही नाइस लड़की हो। तभी डोरबेल बजती है। एक न्यू पर्सन कंपनी आता है और आते ही ताकुमी को हग कर लेता है। वो नोरा कुरा को देखकर कहता है, तुमने न्यू लड़की हायर कर ली? नोरा कुरा बताती है, मैं यहाँ अकाउंट का वर्क करती हूँ। वो पर्सन नोरा कुरा की फोटो लेने के लिए उससे कहता है, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। ये सुनकर नोरा कुरा चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है।